আইডিয়া ভিডিও অঙ্গনারি কেন্দ্রে যায় এমন শিশু মায়েদের জন্য। নমস্কার, আজকের মিটিং এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি গত সপ্তাহের আইডিয়া ভিডিও সকলের ভালো লেগেছে। তাহলে চলুন আজকের মিটিং শুরু করি। গত সপ্তাহের ছবিগুনে সঠিক সংখ্যার সাথে মেলানোর কর্মপত্রটি শিশুরা কেমনভাবে করেছে তার অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মা বলুন। আর হ্যাঁ, আদার মিছিরি বানানোর ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তার অভিজ্ঞতা সকলকে শোনান। এরপর সাথে আনা কর্মপত্রটি নিজেদের মোবাইলে ছবি তুলে প্রথমের সদস্যকে পাঠিয়ে দিন। ততক্ষণ এই ভিডিওটি এখানে থামিয়ে দিন। চলুন তাহলে পরবর্তী কার্যকলাপ শুরু করি, যার নাম কিছু করি কিছু শিখি। সকল মায়েরা একসাথে গোল করে বসুন। এবার কিছু দেশলাই কাঠি, চামচ ও চক নিন। এরপর লিডার মা মেঝেতে এক অঙ্কের কয়েকটি যোগের সমস্যা লিখুন। লেখা হলে অন্য মায়েরা সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্যার পাশে দেশলাই কাঠি ও চামচ রাখবে এবং যোগের সমাধান করবে। যে মা এক মিনিটের মধ্যে সব থেকে বেশি সমস্যার সমাধান করেছে তার জন্য সকলে জোরে হাততালি দিন। আশা করি প্রত্যেক মা এই কার্যকলাপটি আনন্দের সাথে করলেন। এরপর আমরা পরের একটি কার্যকলাপ দেখব, যার নাম কিছু নতুন শিখি। আজকাল মোবাইলের নানা ধরনের অ্যাপসের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেছে। নতুন কোনো ঠিকানা বা কারুর বাড়ির ঠিকানা জানতে অথবা কোথাও রাস্তা ভুল হয়ে গেলে এখন সহজেই অ্যাপসের মাধ্যমে তা খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখে নিই অ্যাপসের সাহায্যে কিভাবে আমরা পথ নির্দেশ করতে পারি। क्या आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करना जानते हैं? क्या आपने कभी गूगल मैप्स के बारे में सुना है? चिंता न करें, आइए एक साथ हम इस एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखें। अपना ऐप स्टोर खोलें, सर्च बार में टाइप करके गूगल मैप खोजें, ऐप डाउनलोड या अपडेट करें और अपने होम स्क्रीन पर जाएं। होम स्क्रीन पर गूगल मैप्स आइकन पर टैप करें। जब आप इसे खोलेंगे तो एप्लीकेशन आपके वर्तमान स्थान और आपके आसपास की जगहों को दिखाएगा। मैप के ठीक बीच में नीला बिंदु उस जगह को दिखाएगा जहां आप उस समय हैं। मैप के हर भाग को देखने के लिए आप मैप को बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे खींच सकते हैं। आप मैप को दो बार टैप करके या अंगूठे और उंगली को मैप पर रखकर उनकी मदद से मैप को खींचकर या सिकुड़कर उसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। मैप पर किसी निश्चित जगह को ढूंढने के लिए आप ऐप के ऊपर स्थित सर्च बार का उपयोग कर सकते हैं। सर्च बार में आप पता, शहर, गली, देश या स्थानीय लैंडमार्क जैसे आगरा में ताजमहल टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे, गूगल मैप आपके द्वारा टाइप किए जा रहे टेक्स्ट के आधार पर अपने आप ऐसे स्थानों का सुझाव देने लगेगा जिन्हें आप एंटर करना चाहते हैं। अगर सुझाई गई लिस्ट में आपको उस जगह का नाम दिखाई देता है जिसे आप टाइप करना चाह रहे थे तो आप उस नाम पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। अगर सुझाई गई लिस्ट में उस जगह का नाम नहीं है तो आप टाइप करना जारी रखें। आप स्टार्ट आइकन पर भी टैप कर सकते हैं जो आपको सबसे छोटा रास्ता दिखाएगा। इसके अलावा आप अपने गंतव्य को वॉइस सर्च के माध्यम से भी खोज सकते हैं जो आपके सर्च बार के दाहिने कोने पर स्थित है। ये आपसे माइक्रोफोन की अनुमति मांगेगा जिसे आपको एनेबल करना होगा। सर्च बार बटन पर टैप करें और इच्छित गंतव्य या स्थान का नाम बोलें। गूगल मैप आपको उस जगह का नक्शा दिखाएगा जिसे आप ढूंढ रहे थे और जिस जगह का नाम आपने टाइप किया था उस जगह को दिखाने के लिए एक लाल रंग का पिन नक्शे पर दिखाई देगा। स्क्रीन के निचले हिस्से पर आपको उस स्थान का नाम पता दिखाई देगा जिसे आप ढूंढ रहे थे।
आप उस जगह तक जिस माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि बस से, कार से या फिर पैदल, उसके आधार पर वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यानी ETA अर्थात यात्रा का अनुमानित समय, वो भी दिखाई देगा। आपको कई और विकल्प भी दिखाई देंगे। उन विकल्पों में से सबसे अधिक रोचक विकल्प है दिशा निर्देश यानी डायरेक्शंस का विकल्प। यदि आप नीले डायरेक्शंस आइकन पर टैप करते हैं तो गूगल मैप अपने आप उस जगह तक पहुंचने के सबसे छोटे रास्ते का अनुमान लगाएगा और यूजर को उस जगह तक पहुंचने के लिए उस रास्ते का नक्शा दिखाएगा। यदि आप ऐप के चारों ओर देखते हुए अपना रास्ता भूल जाएं, तो टारगेट आइकन को दबाकर अपने आप को रीसेंटर कर सकते हैं, यानी वापस उसी जगह पर पहुंचा सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। এই ভিডিওটি দেখে আমরা কি বুঝলাম তা একে অপরের সাথে আলোচনা করুন। চলুন পরের কার্যকলাপটি দেখে ও জেনে নি, যার নাম বাড়ি গিয়ে শিশুর সাথে করব। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম কিছু ছবি শিশুর খাতায় এঁকে দিন। এবার শিশুকে ছবিগুলি ক্রমানুসারে সাজাতে বলুন এবং ক্রম অনুযায়ী সঠিক রং ভরতে বলুন। শিশুর দ্বারা তৈরি কর্মপত্রটি যত্ন সহকারে রাখুন। পরের সপ্তাহের মিটিংয়ে কর্মপত্রটি সাথে নিয়ে আসুন। এই কর্মপত্রটি করার সময় শিশুরা কি আনন্দ পেয়েছে, এই অভিজ্ঞতাটি আমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন। আজকের কার্যকলাপটি এখানেই শেষ করা হচ্ছে। এই ধরনের আরও নতুন নতুন কার্যকলাপ জানতে আগামী সপ্তাহে আমরা আবার একত্রিত হব। ততদিন পর্যন্ত নিজের ও শিশুর যত্ন নিন। ধন্যবাদ।